ये कहानी है एक भारतीय मूल की महिला सबा हैदर की, जो अमेरिकी काउंटी बोर्ड का चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पार्टी की ओर से सबा को उम्मीदवार बनाया है, वो इलिनॉइस राज्य की काउंटी बोर्ड चुनाव में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाली सबा एक संपन्न परिवार से आती हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश जल विभाग में इंजीनियर रहे और माँ शहर में एक स्कूल चलाती हैं। उन्होंने गाजियाबाद से बीएससी करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी की। फिर सबा की शादी हो गई और 15 साल पहले पति के जॉब के चलते अमेरिका शिफ्ट हो गई। वहाँ शुरू में उन्होंने जॉब कंसल्टेंट का काम किया और पिछले 10 साल से अमेरिका में एक योगा ट्रेनर के तौर पर काम कर रही हैं। सबा को बचपने से ही सोशल वर्क का शौक रहा। कोविड महामारी के दौरान उनके किए गए काम से खुश होकर राष्ट्रपति बाइडेन ने उनको उम्मीदवार बनाया है और चुनाव 6 नवंबर को होने वाला है, जहां 10 लाख से ज्यादा वोटर भाग लेंगे। चुनाव जीतने के लिए वो वहां लोगों से मिलकर वोट देने की अपील कर रही हैं। वहीं भारत में उनका परिवार भी उनकी कामयाबी की दुआएं कर रहा है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।